बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही क्विक, इजी लेकिन बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी रेसिपी तैयार करेंगे, चिकन बॉल्स। साथ ही हम एक सॉस भी तैयार करेंगे जिससे चिकन बॉल्स और भी मज़ेदार हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हमने हाफ के जी चिकन ली है बोनलेस। चिकन को हम चॉपर में ऐड कर देंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट और इसके बाद हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट। एक अदद छोटी प्याज को इसमें हमने शामिल किया है बारीक चॉप करके। फिर 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को हमने इसमें शामिल किया है। हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडे को। 1 अदद अंडा फुल हमने इसमें शामिल करना है। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है इसमें। नमक आप जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे, चिकन का बहुत अच्छे से कीमा तैयार हो जाए और चिकन में सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जी, हमारा कीमा चिकन का तैयार है। हाथों को थोड़ा सा हमने ग्रीस किया है ऑयल से और उसके बाद हम सिंपल बॉल्स बनाएंगे। साइज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जी, इस तरह से आप सारी चिकन की बॉल्स बना लेंगे। चिकन की सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल को शामिल कर लिया है। मीडियम लो हीट पे आप पहले ऑयल को गर्म करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे कि आपकी बॉल जब इसमें आप शामिल करें तो वो जल जाएं। हल्का सा ऑयल को आपने गरम करना है। बॉल्स को हमने फिर इसमें शामिल कर देना है। जैसे आप बॉल्स को शामिल करेंगे, ऑयल जब थोड़ा सा गरम हो जाए इसके बाद, तो फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देना है। चिकन बॉल्स को ऐड करने के बाद आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। जब चिकन की बॉल्स पकना शुरू होंगी तो ये खुद ब खुद ही ऊपर आती जाएंगी, तब हमने इसमें चम्मच चलाना है ताकि सब बॉल्स पे एक जैसा कलर आए, लेकिन उससे पहले नहीं। जी, हमारी सारी चिकन की बॉल्स हैं ऊपर आ गई हैं। अब हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये सारी बॉल एक जैसी कलर में रेडी हो जाएं। आँच जो है वो आपने लो रखनी है, क्योंकि अगर आप आँच तेज़ करेंगे तो ऑयल एकदम से गर्म होके आपकी बॉल्स को ऊपर से तो ब्राउन कर देगा, अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। हमारी बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर इन पर आ गया है, इनको अब हम निकाल लेंगे। सॉस बनाने के लिए हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसके बाद 1/2 कप केचप हमने इसमें भर के शामिल किया है। केचप ऐड करने के बाद हमने इसमें 1 अदद हरी मिर्च को बारीक चॉप करके शामिल किया है और साथ में 1/2 टीस्पून हमने पिसी हुई काली मिर्च हमने शामिल की है। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 1.5 टेबलस्पून चीनी इसमें शामिल करेंगे। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1/4 कप पानी इसमें शामिल किया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। जी, नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमने थोड़े से पानी में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को ऐड करके इसे हमने पानी में मिक्स कर लेना है और फिर इसको सॉस में हमने शामिल कर देना है।
अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। जी हमारी सॉस जो है वो रेडी है। इसमें अब हम चिकन बॉल्स को शामिल करेंगे। चिकन बॉल्स को सॉस में ऐड करने के बाद सॉस के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप बॉल्स को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारी चिकन बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी चिकन बॉल्स तैयार हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स यकीनन इसे बेहद पसंद करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगेबान।